अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं रुबीना अंसारी किचन में आपके लिए पोटैटो चिकन ड्रम स्टिक तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने ये दो ड्रम स्टिक्स ली हैं, इन्हें धोकर मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। यहाँ आधा कप पानी है जो मैं इस फ्राई पैन में सॉस पैन में डाल रही हूँ। अब इसमें मैं कुछ मसाले डालूँगी, मसाले मैं थोड़े से कम डालूँगी क्योंकि बाद में भी मसाले पड़ेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1-1 टीस्पून चिली सॉस, सोया सॉस और वाइट विनेगर डालूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में मैंने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अब मैंने अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और इसमें मैं 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल भी डालूंगी ताकि अंदर से जो फ्लेश है वो जूसी सा हो। और अब मैं दोनों ड्रम स्टिक्स इन मसाला जात के साथ पानी में डालूंगी और ये अच्छी तरह से गलेंगी। इन्हें मैं ढक कर रखूंगी, अभी फ्लेम हाई है, उबाल आएगा तो मैं फ्लेम को लो कर दूंगी। तो फिर मिलते हैं इनके गलने पर और बाकी प्रोसेस करेंगे। ड्रम स्टिक को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, दरमियान में मैंने देख भी रही थी और पानी तकरीबन सब खुश्क हो गया है, टेक्सचर भी बहुत खूबसूरत सा नज़र आ रहा है। देखिए बहुत अच्छी सी सॉफ्ट हो गई हैं, गल गई हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ़ कर रही हूँ और मज़ीद प्रोसेस करेंगे। यहाँ मैंने दो दरमियाने साइज़ के आलूओं को भी उबाल कर और छील के रख लिया है। तो फिर हम चलते हैं, इनका ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। ड्रम स्टिक अच्छी तरह से ठंडी हो गई हैं, अब मैं इनका सारा गोश्त निकाल रही हूँ और निकाल के इसके इस तरह से छोटे छोटे से रेशे करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। ये जो बोन है इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि इसको हम एक साइड पे रखते जाएंगे। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे, इन तमाम पीसेस को अच्छी तरह से रेशों में तब्दील करके। चिकन को मैंने अच्छी तरह से श्रेडेड कर लिया है, अब मैं इसमें ये आलू डाल रही हूँ। उसके अलावा मैं कुछ मसाले भी डालूँगी, मैं आलूओं के हिसाब से कम मसाला डाल रही हूँ। चाट मसाला 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, यहाँ मस्टर्ड पाउडर एग्जेम्प्टेड है मैं डाल रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है 1/2 टीस्पून। आपको अगर नहीं पसंद है तो आप स्किप कर दीजिएगा। कुटा भुना ज़ीरा मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च 1/4 टीस्पून, नमक भी मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। उसके अलावा मैंने अदरक का पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून और लहसुन का पाउडर भी लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। ये दोनों मिक्स कर दिए हैं मैंने। उसके अलावा ये मैंने दरमियाने साइज़ की एक प्याज ली थी जिसे मैंने ग्रेट करके इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया है। अब मैं इन सबको मैशर की मदद से मैश कर रही हूँ और सबको मिक्स करूँगी और फिर हम मज़ीद इसके साथ आगे प्रोसेस करेंगे। तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से यकजान हो गई हैं, अब मैं जो स्टिक्स बचा के रखी थी उस पे इनको लगाऊंगी और लगाने के बाद हम अच्छी सी ड्रम स्टिक टाइप की बनाएंगे। अब मैं इसमें से एक पेड़ा लूंगी, जैसे पेड़ा लेते हैं ज़रा मोटा सा, और लेके इसको थोड़ा सा हाथों से इस तरह से गोल बनाऊंगी। और स्टिक की हम ये वाली साइड लेंगे जो नीचे की होती है, इसको हम रखेंगे और रख के बहुत अच्छी तरह से हाथ से दबा दबा के मैं लेग पीस का शेप दूंगी। मोटा भी बना सकते हैं हम, बहुत गोल सा और बिल्कुल ड्रम स्टिक की शेप भी दे सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से पहले मैं दबाऊंगी ताकि ये इसके ऊपर चिपक जाए और निकलने के चांसेस कम हो जाए। देखिए ये एक ड्रम स्टिक तैयार हो गई है, चारों तरफ से इसको चेक कर लीजिए। ये देखिए कितनी अच्छी सी बिल्कुल ड्रम स्टिक ही लग रही है। अब इसी तरह मैं दूसरी को भी तैयार करती हूँ। रिवर्स दूसरी ड्रम स्टिक भी तैयार हो गई है, अब मैं इन दोनों ड्रम स्टिक को मैदा में अच्छी तरह से कोट करूँगी और कोट करने के बाद फिर मैं इसे
आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। फ्रिज में मैं इसलिए रखूँगी ताकि जो ये मटेरियल है, जो आलू और चिकन है, ये अच्छी तरह से इस बोन पे सेट हो जाए, वरना फिर ये मटेरियल के निकलने के चांसेस होते हैं। मैं इसको बहुत अच्छी तरह से कोट कर रही हूँ, ये देखिए। इसके बाद फिर जब आधा घंटा गुजर जाएगा तो हम मज़ीद कुछ चीज़ें लगाएंगे, और लगाने के बाद फिर इसको फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, आधा घंटा हो चुका है और मैं ये ड्रम स्टिक्स फ्रिज में से निकाल कर ले आई हूँ। यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स जो मेरे होममेड हैं और मैदा रखा है, उसके अलावा मैंने एक अंडा लिया है। इसमें मैं 2 पिंचेस काली मिर्च और 2 पिंचेस नमक के डालूंगी और इसे अच्छी तरह से फेंट लूंगी ताकि फिर हम इसकी कोटिंग कर सकें और कोटिंग में ये फीके ना हो। सबसे पहले मैं मैदा में डिप करूंगी। मैंने मैदा में डिप करके रखा था, लेकिन उसके बावजूद मैं थोड़ा सा मैदा लगाऊंगी, फिर मैं अंडे में डिप करूंगी और उसके बाद फिर मैं ब्रेड क्रम लगाऊंगी। यहाँ वॉक में ऑयल गर्म हो रहा है, ये देखिए, थोड़ा सा मैं और लगा रही हूँ और बहुत अच्छे से हार्ड से हैं, हमें शेप में कोई तब्दीली नहीं नज़र आई, लिहाजा हम इसके साथ कुछ नहीं करेंगे। बहुत एहतियात के साथ मैदा लगाने के बाद फिर मैं अंडे में डिप कर रही हूँ। और इसी तरह मैं इन दोनों को तैयार करके एक साइड पे रखती हूँ। व्यूअर, दूसरा पीस भी रेडी हो गया है। बहुत अच्छी तरह मैंने ब्रेड क्रम की कोटिंग कर दी है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल वॉक में रखा हुआ गर्म हो रहा है, फ्लेम अभी मीडियम है। मैं आहिस्तगी से बिस्मिल्लाह दोनों पीसेस को रख रही हूँ। फ्लेम मीडियम ही रहेगा, अगर हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो हमारे ब्रेड क्रम्स जल जाएंगे। अब इसी मीडियम फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता ये फ्राई होंगे, 1 मिनट के बाद मैंने चेक करूँगी। 1 मिनट हो गया है, अब मैं इसे फॉक से थोड़ा सा हिलाकर चेक कर रही हूँ और साइड थोड़ी सी चेंज कर रही हूँ। ये देखिए, गोल्डन गोल्डन से मार्क आ गए हैं। और इसी तरह फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इसी मीडियम लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करूँगी। बहुत ही अच्छी सी गोल्डन सी हो गई हैं, बस आधा मिनट और लगेगा और ये रेडी हो जाएंगी। व्यूअर, आधा मिनट हो चुका है, मैंने चेक कर रही हूँ, बहुत अच्छी सी रेडी हो गई हैं। फ्लेम ऑफ करके मैं इस स्पेचुला पे निकाल रही हूँ और फिर इस टिश्यू पेपर पे निकालूँगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा सा है, फिर मैं आपके लिए प्रेजेंट करती हूँ। व्यूअर्स, ये आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी ड्रम स्टिक्स तैयार हो गई हैं। पोटैटो ड्रम स्टिक, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची सी, अंदर से सॉफ्ट सी। इन्हें मैंने टोमेटो केचप और गार्लिक सॉस के साथ सर्व किया है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, सब बहुत पसंद करेंगे, ख़ास तौर पर बच्चों की तो ये जान है, और आपको बड़ी तारीफ़ें समेटने को मिलेंगी। इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज़।